मुंगेर विश्वविद्यालय में मनाया गया चतुर्थ स्थापना दिवस। 4 वर्ष की उपलब्धियों के साथ त्रैमासिक पत्रिका का हुआ विमोचन। मुंगेर से रंजन की रिपोर्ट। मुंगेर विश्वविद्यालय के 4 वर्ष पूर्व होने पर चतुर्थ स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रमंडलीय आयुक्त दयानिधि पांडे, कुलपति प्रोफेसर श्याम राय, प्रति कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल, कुल सचिव डॉक्टर एस आर चतुर्वेदी, डीन स्पेशल साइंस प्रोफेसर प्रभात कुमार, अजीत कुमार ठाकुर, शिव कुमार जायसवाल तथा डॉक्टर गोपाल प्रसाद यादव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि सह बी एन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय ने अपने संबोधन में कहा कि छात्र शिक्षक अभिभावक तथा प्रशासन विश्वविद्यालय के 4 स्तंभ है। जब ये चारों एकजुट होंगे तभी विश्वविद्यालय तेजी से विकास कर सकता है। मुख्य अतिथि सह प्रमंडलीय आयुक्त दयानिधि पांडे ने कहा कि स्थापना दिवस उत्सव मनाने का दिन तो है, साथ ही यह कि हमने अब तक क्या किया है और आगे क्या करना है, यह कार्य योजना तैयार कर आगे बढ़ने का संकल्प लेने का दिन है। डॉक्टर अवध किशोर राय ने कहा कि छात्र नियमित कक्षा आएंगे तथा शिक्षक कर्तव्यनिष्ठ होकर कार्य करेंगे, साथ ही विद्यार्थियों के अभिभावक अपने बच्चे की शिक्षा के प्रति जागरूक होंगे एवं प्रशासन एकजुट होकर छात्र हित में कार्य करेंगे, तभी विश्वविद्यालय विकास करेगा। मौके पर अतिथियों द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका का विमोचन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय समेत सभी अंगीभूत कॉलेजों के पिछले 4 वर्षों की उपलब्धियों को शामिल किया गया। साथ ही कुल गीत के रचयिता शकील अहमद अंसारी, राहुल कुमार, शिक्षकेतर कर्मी सुबोध झा, शैलेंद्र कुमार, ललन सिंह, प्रेमलता एवं सौरभ सांडिल्य आदि को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर BRM कॉलेज के छात्राएं एकरा खान, अलीसा निकिता, अर्पणा तथा प्रियंका ने संगीत के विभागाध्यक्ष को मृत्युंजय कुमार मिश्र के नेतृत्व में कुल गीत प्रस्तुत किया, जिसमें पंडित बलराम दास मिश्र के तबले पर संगत दिया। कार्यक्रम का समापन कुल सचिव डॉक्टर एस आर चतुर्वेदी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन से हुआ।